में बिजनेस की इस नई सेशंस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज आई कॉल टू ऑल बिजनेसमैन, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स है आज आप लोगों के लिए, कहीं नहीं जाइएगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई वांट टू से दैट द फर्स्ट थिंग इज दैट मैं मुद्दे की बात बताना चाहता हूं। आज से कुछ महीनों पहले मैं एक अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, मीटिंग कर रहा था। इज अ वेरी यंग गाय और वो कई कंपनियों का काम करता है और उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो आज तक करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं कर पाया। बट द वन थिंग इज दैट एक ऐसा वाक्या उसकी लाइफ में घटा, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये वाक्या था, एक कंपनी की ट्रिप थी अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया, विदेश यात्रा थी। विदेश यात्रा में डीलर मीट थी और डीलर मीट में वो लोग बैठे गए, कंपनी के ऑनर के साथ उनका इंटरेक्शन होना था। हर व्यक्ति का इंडिविजुअली इंटरेक्शन होता है, तो वहां भी हर किसी का इंटरेक्शन कंपनी के साथ होना था। मुद्दे की ये बात थी कि वो बंदा बहुत एक्साइटेड था कि यार साला आज कंपनी के ऑनर से मिलने को मिलेगा, जो आज 1,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है और काम है 1 करोड़, मैं उसका 1% भी नहीं हूं, मैं under 1% हूं। सो ऐसे महा हस्ती से मिलना मेरे लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होगा। वो बंदा गया, सुबह चाय का टाइम था, सब चाय पी रहे थे, वो कंपनी के मालिक कुछ डेलीगेट से मिल रहे थे। इतने में ये भी पहुंच गया, ये बहुत देर से उस मालिक को ऑब्जर्व कर रहा था, यार ये बंदा गजब का है और यंग, एक ऐसी कंपनी का मालिक है कंज्यूमर ड्यूरेबल की जो यंग डायनामिक है, और 15 साल में उसने एक बड़ी ब्रांड को खड़ा कर लिया, top 5 brands में वो ब्रांड आता है। तो मैं उसकी बात कर रहा था, वो देखता रहा, जैसे उसके पास जैसे कोई नहीं मिला सीधा पहुंच गया, सर नमस्ते, हेलो सर, क्या कंपनी आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसकी तारीफ करने लगा। और जैसे शेक हैंड किया, कुछ सेकंड्स के लिए उसने हाथ भी नहीं छोड़ा। मालिक को थोड़ा हिचकिचाहट हुई, यार हाथ क्यों पकड़े रखा है, फिर धीरे से उसने छोड़ा। और फिर उसके बाद वो डिस्कशन कुछ पहली लाइन पूछना चाहता था, सर मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं और मैं एक ही बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो है सर ये बताओ कि इतनी जल्दी और इतनी स्पीड से आपने इतने बड़े एम्पायर को कैसे खड़ा कर लिया, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, सर सक्सेस और फेलियर में अंतर क्या है। वो क्वेश्चनों की झड़ी लगा तेरा, बोला बेटा रुक मैं तेरे को बताता हूं, सक्सेस का और फेलियर का एक ही बड़ा अंतर है, वो है सर आप और मैं आपको फील कर रहा था, मैंने आपके हैंड को पकड़ा हो, अंतर क्या है, एक जैसी बॉडी एक जैसा शरीर सब कुछ, यस डिफरेंस है। पहला डिफरेंस उन्होंने बताया, दैट इज अ माइंडसेट, द सक्सेस हैबिट माइंडसेट, द फर्स्ट पॉइंट। उन्होंने इस पॉइंट को जोर दिया कि मेरे माइंड में और तुम्हारे माइंड में अंतर है जो दोनों को नहीं दिखता है, जो हिडन है, जो इनसाइड है। पहले अंतर को आप एब्जॉर्ब करो, तुम्हारी हैबिट और मेरी हैबिट में फर्क है। मैं डिसीजन फास्ट लेता हूं, फटाफट लेता हूं, मैं बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मैं 14-15 घंटे सिर्फ दिमाग पे काम करता हूं और तुम फिजिकली काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला सर, मैं आपके ब्रांड के लिए रोज शहर शहर दौड़ता हूं और काम करता हूं, ऐसा मेरे डीलर दोस्त ने बोला। बोले यही तो मिस्टेक है, दैट्स द वन सीक्रेट, तुम मेरे लिए काम करते हो और मैं अपने लिए काम करता हूं, हम दोनों हमारे ब्रांड के लिए काम करते हैं। यस मैं और भी ब्रांड करता हूं पर आप तो एक ही ब्रांड करते हो, यस दिस इज द पावर ऑफ वन। ये रूल भी बहुत काम का जो आपने एकदम बातों बातों में निकाला, मैं पावर ऑफ वन पे काम करता हूं, मैं सिंगल एक्सक्लूसिव अपने ब्रांड पे काम करता हूं, नथिंग अनदर ब्रांड्स। तुम मल्टी ब्रांड्स पे काम करते हो, एक्सपेंशन करो, मेरे ही ब्रांड पे काम करोगे तो हो सकता है कि मेरे इतना नहीं लेकिन मेरे से कुछ करीब आप एक नया ब्रांड खड़ा कर सकते हो। ये पावरफुल टिप्स उस बंदे ने बताया, तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। और तीसरा, ऑलवेज बी अवेयर फ्रॉम दैट योर सराउंडिंग एरियाज, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो ये महत्वपूर्ण होता है, कैसे लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों से बातचीत करते हो। मेरे कम्युनिटी में ऐसा कंपनी के मालिक ने बोला कि मेरी कम्युनिटी बिजनेसमैन की है, हम लोग सब बिजनेसमैन एक दूसरे से, कोई 1,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़, कोई 2,000 करोड़, कोई 500 करोड़, सब करोड़ों में खेलते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूं, तुम कैसे लोगों के साथ बैठते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण रूल माय डियर फ्रेंड्स मेरे दोस्त ने बताया। और जब वो विदेश यात्रा से रिटर्न आया ना तो उसके दिमाग में ऐसा घूमता रहा, और वाकई रियली बता रहा हूं, उस बंदे ने आके सबसे पहला काम क्या किया, अपने ब्रांड को रजिस्टर किया, अपने सर्कल को चेंज किया और अपनी हैबिट को, माइंडसेट को चेंज किया। डेफिनेटली लास्ट 3 महीने में उसने जो टर्नओवर 1 साल में करना था
वो उसने लास्ट 3 महीने में नियरेस्ट टर्नओवर कर लिया। ये सबसे बड़ी ताकत थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सो प्लीज कमेंट्स एंड शेयर। मुझे लगता है कि इस मॉरल स्टोरी से कुछ ना कुछ इस अनुभव से आपको भी सीखना चाहिए। क्या आप सीख रहे हैं? प्लीज कमेंट्स हियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगले सेशन में मिलते हैं।